चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी पालक गोश्त के मैंने ये बनाया है, और इसके अलावा मैंने अपने भाई को दिया है छोटा सा सरप्राइज़, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। पालक गोश्त जो मैं ये बना रही हूँ ये बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको हम रोटी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एज अ स्नैक्स जब यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की है, ये काफ़ी टेस्टी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको सिखा नहीं रही क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी आंवला का तेल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में डेली रूटीन में यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनली आपको नहीं बताती है कि आप ये यूज़ करें ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं, वो बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ। और आंवला का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी दूसरी बॉटल है, इस वजह से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहली बॉटल जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसके मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तिब्बे मशरक का ये आंवला का तेल है और खुश्की ख़त्म करता है और बालों को मज़बूत करता है, बाल काफ़ी गिरने से रुक जाते हैं। इसमें काफ़ी दूसरे ऑयल्स भी शामिल हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। रात को ये तेल लगाकर मैं सो जाया करती थी और उंगलियों से थोड़ी सी मसाज किया करती थी, और इसके साथ मैं एक्सरसाइज किया करती थी, बालों की एक्सरसाइज। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वो वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज किया करती थी, लेकिन मुझे इस तेल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। मैं आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, और वैसे रूटीन बताने का कोई मकसद नहीं है जब तक आप लोगों के मेरी तरफ से आपको कुछ ना सीखने को मिले, तो इस वजह से मैं आपसे थोड़ा थोड़ा जो मैं यूज़ करती हूँ, जो यूज़ कर चुकी होती हूँ, अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आता होगा। बॉटल ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल, तिब्बे मशरक का है ये। तो इसके अलावा मैंने आपको सरप्राइज़ का बोला था, और मैंने ये खुद बनाया है, और ये मैंने अपने भाई के लिए बनाया है, उसका बर्थडे था और मैंने सोचा कि मैं उसको ये गिफ्ट कर देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा बनाया है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत इनकरेज फील होता है, मुझे फिर दिल करता है कि मैं कुछ नया बनाऊं, कुछ नया करूं। तो ये थे मेरी आज की वीडियो, होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।